हेलो स्टूडेंट्स, इनकॉर्पोरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब जरा ये बात करते हैं कि कंपनी के प्री इनकॉर्पोरेशन में जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर करता है, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टेटस क्या होता है। जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किया कि प्रमोटर की एक ड्यूटी है, प्रमोटर की एक ड्यूटी है, और वो ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटी है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। सो किसी भी कंपनी का प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। अब आप पूछेंगे, सर ये सीक्रेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले, ये देखिए, सीक्रेट प्रॉफिट को बताने से पहले जरा एक बार प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंपनी के बनने से पहले कौन करता है, कंपनी का प्रमोटर, राइट। लेकिन ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कौन से पर्पस के लिए हो सकते हैं? देखिए, ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट दो पर्पस के लिए हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हो, जैसे कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने वाली फर्म, कोई भी सीए फर्म, कोई भी सीएस फर्म जिसके साथ प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे हुए पर्पस को अचीव करने के लिए था। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो कंपनी का ऑब्जेक्ट था, जो कंपनी का ऑब्जेक्ट था, सो कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए प्रमोटर्स ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं। सो ये दो तरीके से प्रमोटर्स कंपनी बनने से पहले प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो कंपनी को बनाने के लिए या कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अचीव करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करना जरूरी था। सर, ऑब्जेक्ट क्लॉज में किस तरीके से? मैं एग्जांपल लेता हूं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस था वो मोबाइल फोन का था, तो मोबाइल फोन की जो कंपनी बनने वाली थी, प्रमोटर ने उसके लिए अगर एक फैक्ट्री खरीदी है, एक फैक्ट्री लीज पे ली है जिसपे मोबाइल फोन का यूनिट लगेगी, तो वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री इनकॉर्पोरेशन फेज में प्रमोटर्स ऐसे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस को अचीव करने के लिए जो प्रॉपर्टी लीज पे ली गई थी, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी किसी प्रमोटर की ही थी, तो अगर प्रमोटर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को दे रहा है तो क्या प्रमोटर कंपनी को उसी प्राइस में सेल करेगा जिस प्राइस में प्रमोटर ने वो प्रॉपर्टी परचेज की थी? एक एग्जांपल लेते हैं, आप, मैं, हम सब लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाने का प्लान बनाया और कंपनी को बनाने के लिए हमें प्रॉपर्टी की जरूरत थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो हमें पसंद आई वो प्रॉपर्टी मेरे एक जानने वाले पर्सन की थी। मैंने उससे बातचीत की और मैंने उससे प्रॉपर्टी का प्राइस डिस्कस किया। उसने मुझे बताया कि सर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपीस। मैंने आप लोगों को यह नहीं बताया कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपीस है। मैंने आप लोगों को उससे मिलवाया और मैंने आपको यह बताया कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है ₹1 करोड़, यानी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को मैंने दिलवाया है आपको कितने रुपए में, 1 करोड़ में। आपने, मैंने, हम सब लोगों ने मिलकर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में परचेज करी है जिसकी रियल वैल्यू कितनी है,
50 लाख रुपीस। तो यहां प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है। प्रमोटर कौन? मैं। तो ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, अगर प्रमोटर कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है, यस, अगर प्रमोटर कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है, तो उस सीक्रेट प्रॉफिट का सर क्या होगा? तो अगर प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है, 50 लाख की प्रॉपर्टी पहले मैंने अपने फ्रेंड को दिलवाई, उसके बाद वो प्रॉपर्टी मैंने कंपनी के प्रमोटर्स को बोल के प्रपोज्ड कंपनी को सेल करवाई है और 50 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। किसने? मैंने और मेरे साथ जो पर्सन इन्वॉल्व था। लॉस किसका हुआ सर? यहां लॉस उस प्रपोज्ड कंपनी का हुआ। लेकिन कंपनी बनने के बाद आफ्टर इन कॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के बाद जब कंपनी के डायरेक्टर्स को यह बात पता लगी, बनने के बाद जब डायरेक्टर्स को यह बात पता लगी कि मैं जो कंपनी का प्रमोटर था उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया, तो बताइए अब कंपनी क्या कर सकती है? सो इन दैट केस कंपनी के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, आप जरा उसकी बात करते हैं। तो अगर सीक्रेट प्रॉफिट कमाया और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो देखिए जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका अडॉप्शन होता है इनकॉर्पोरेशन के बाद में। उन कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा अडॉप्ट करती है कौन? कंपनी। तो इसे मैं एक वर्ड बोलूंगा, नोवेशन। नोवेशन वर्ड आपने पहले भी सुना है, जानते कहा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद कोई तीसरा पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए तो हम बोलते हैं कि नया कॉन्ट्रैक्ट, नए वाले कॉन्ट्रैक्ट ने पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर दिया। प्रॉपर्टी के बायर के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? पहले कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स ने किया था, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगी? अब वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करेगी। लेकिन कंपनी को तो क्योंकि ये बात पता लग गई कि मैंने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, तो क्या अब कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी? तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर ये फैक्ट डिस्कवर हो गया, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर ये फैक्ट डिस्कवर हो गया कि कंपनी के प्रमोटर यानी कि मैंने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, तो सर अब कंपनी क्या कर सकती है? आप सुनिए जरा। इन दैट केस अब जो कंपनी के पास रेमेडी है वो क्या रेमेडी है कंपनी के पास? सो इन दैट केस सबसे पहले रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिसीजन मींस कैंसलेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होगा। जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपीस में हमारी प्रपोज कंपनी ने बनने से पहले प्रमोटर्स ने परचेज की थी, गलती आप लोगों की नहीं थी, गलती तो सिर्फ मेरी थी, तो अब कंपनी उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी और कैंसिल करने के साथ साथ सारा का सारा अमाउंट वापस रिकवर कर लेगी, इंक्लूडिंग दिस सीक्रेट प्रॉफिट, यानी कि वो पूरा 1 करोड़ रुपए कंपनी उस पार्टी से रिकवर कर लेगी जिसकी वजह से सारा लॉस हुआ और जो पैसा कंपनी ने जिस पार्टी को पे किया। तो 1 करोड़ रुपए पे किया था मेरे फ्रेंड को, जिसके थ्रू हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी जिसकी रियल वैल्यू 50 लाख थी, 1 करोड़ परचेज किया, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगी और साथ ही साथ रिकवर कर लेगी किसको? रिकवर कर लेगी सीक्रेट प्रॉफिट को। सो कंपनी रिकवर कर लेगी सीक्रेट प्रॉफिट पे। और एक और बात, प्रमोटर्स कैन बी सूड और कंपनी के प्रमोटर्स पे केस भी फाइल कर सकती है कंपनी। यहां प्रमोटर्स कैन बी सूड बाय द कंपनी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि प्रमोटर्स ने क्या किया है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। और वी कैन से मिसफीजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू डिस्क्लोज, ये मिसफीजेंस का मतलब होता है। तो ये कंपनी के पास 3 रेमेडीज होती हैं अगर प्रमोटर्स ने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है तो। तो अब आप मुझसे ये पूछोगे क्या सर प्रमोटर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में प्रॉफिट नहीं कमा सकते? सो मेरा आंसर है यस, कमा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने ये बताया कि अगर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में प्रमोटर्स ने कोई प्रॉफिट कमाया है तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी, लेकिन पूरी बात को ध्यान सुनिएगा।
अगर प्रमोटर ने प्री इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में प्रॉफिट कमाया है तो कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। ऑब्जेक्शन तब होता है जब प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है। तो प्रॉफिट और सीक्रेट प्रॉफिट, इन दो वर्ड्स में डिफरेंस है। अब मैं आपको ये बात क्लियर करने वाला हूं कि प्रॉफिट और सीक्रेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। सो प्रमोटर ने अगर ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन दो बातें मैं यहां लिखूंगा। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट अर्न किया है, और सेकंड में लिखूंगा सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है। सो प्रमोटर ने ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट अर्न किया है या सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है? अगर प्रमोटर्स ने प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बोलते हैं कि सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है, तो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करना नॉट अलाउड। तो ये प्रॉफिट अर्न करना कौन सा होता है सर? मैं अब एक कंपनी का प्रमोटर हूं, आप भी मेरे साथ उस कंपनी के प्रमोटर हैं। कंपनी को बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत थी। उस प्रॉपर्टी को आज से 10 साल पहले मैंने एक्वायर किया था, मैंने परचेस किया था। 10 साल पहले जब मैंने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था या परचेस किया था, तब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 20 लाख रुपीज। आज जब कंपनी को बनाने की बारी आई तो मैंने आपसे यह कहा कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, लेकिन मैं 20 लाख रुपीज में वो प्रॉपर्टी आपको नहीं दूंगा, यानी कि मैं कंपनी को नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मैं वही प्रॉपर्टी 10 साल बाद कंपनी को 20 लाख में दे रहा हूं तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। आप और आपके अलावा जितने भी प्रमोटर्स थे, मान लीजिए पब्लिक कंपनी थी और मेरे अलावा 6 प्रमोटर्स और थे, तो आप सबने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है सर, हम इस प्रॉपर्टी को ज्यादा वैल्यू पे परचेस कर रहे हैं। तो आप अगर मेरी कंपनी की, अगर आप जो कंपनी हम बना रहे हैं उसके लिए अगर आप मेरी प्रॉपर्टी को ज्यादा प्राइस पे परचेज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रमोटर अगर ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलाउड है। लेकिन लेकिन उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। प्रॉब्लम प्रॉफिट कमाने से नहीं है, प्रॉब्लम नॉन डिस्क्लोजर से है। लेकिन सर ये डिस्क्लोजर किसमें होता है, डिस्क्लोजर किसको होता है? देखिए, या तो ये डिस्क्लोजर जो है, या तो ये कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हो। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी इस बात का डिस्क्लोजर हो कि जब कंपनी का प्री इनकॉर्पोरेशन हो रहा था तब कंपनी के प्रमोटर ने प्रॉफिट अर्न किया था। इसके अलावा एक और रास्ता है, वो है कि कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में भी इस बात का डिस्क्लोजर हो सकता है कि कंपनी के प्री इनकॉर्पोरेशन में कंपनी के प्रमोटर ने प्रॉफिट अर्न किया था। इतनी बात आई होप आप सब लोगों को क्लियर है। अब जरा आगे ये डिस्कस करते हैं कि सर प्री इनकॉर्पोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट्स का आगे चल के क्या होता है। सो यहां एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक कंपनी को बनाने का आइडिया प्रमोटर्स को आया ऑन 5th of May को आइडिया आया, और ऑन 5th of July उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया। तो 5th of May से लेकर 5th of July तक होने वाले सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बताइए कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का, या तो कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यस। तो अब जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है तो 5 जुलाई के बाद कंपनी या तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का रिसीजन करेगी, दैट मींस कैंसलेशन, क्योंकि अगर वो कंपनी को लगता है, अगर कंपनी को लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद प्रमोटर किसी थर्ड पार्टी को कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देंगे। देखिए, प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ये किया है कि कंपनी बनने के बाद प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स किसी भी पर्सन को अलॉट कर देंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने प्री इनकॉर्पोरेशन में कर लिया है। सर, इस कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई रिलेशन नहीं है कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से, इस कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई रिलेशन नहीं है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से, इसलिए कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल नहीं देगी। तो कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट नहीं करेगी, कैंसिल कर देगी। अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया था प्रमोटर ने तो भी कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल नहीं देती। या फिर कंपनी, अगर कंपनी को लगता है कि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ रहा था या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिक्वायर्ड था, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी की प्रीमाइसिस को रेंट पे लेने के लिए किया गया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का अब कंपनी दे देगी अप्रूवल, अब उस कॉन्ट्रैक्ट का कंपनी अप्रूवल दे देगी, और यहां हो जाएगा नोवेशन। और उसके बाद अप्रूवल देने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा किसके ऊपर, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा कंपनी, नॉट प्रमोटर्स, क्योंकि कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल दे दिया है। सो कंपनी एंड थर्ड पार्टी जिसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको कंपनी ने रीसाइन कर दिया या जिसका अप्रूवल कंपनी ने नहीं दिया, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबिलिटी किसकी आएगी, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स की आती है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबिलिटी कंपनी की नहीं आती। तो कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद करेगी, 5 जुलाई के बाद करेगी, और 5 जुलाई से पहले वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, कंपनी के प्रमोटर्स, और फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल देना है और कौन से कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल नहीं देना। तो थर्ड पार्टी प्रमोटर्स के ऊपर केस फाइल कर सकती है, इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 15 और 19 रेफर किया जा सकता है, जिसमें कि इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन वहां गिवन है।